भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने झालावाड़ सांसद कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की राजस्थान सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। 4 साल की इस सरकार में 7,000 से ज़्यादा निर्दोष नागरिक की हत्याएं हो चुकी है, जबकि 8,41,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में कई आपराधिक घटनाएं भी हुई है। 1 दिसंबर को प्रस्तावित भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर झालावाड़ पहुंची प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इस सरकार में महिलाएं, किसान सहित कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। राजधानी जयपुर में ही महिला शिक्षक को जिंदा जलाकर मार डालने की घटना भी हो चुकी है, जबकि दौसा में आदिवासी महिला का अपहरण कर गैंग रेप कर जलाकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि 10 दिन में कर्ज माफ़ करने का वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस अब पूरी तरह से कर्ज माफ़ी के इस वादे को भूल चुकी है। दर्जनों किसान कर्ज के चलते आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है, वहीं यूरिया की भी किल्लत बनी हुई है। उन्होंने कांग्रेस की नीयत में खोट बताते हुए कहा कि बिजली पानी व्यवस्था की बदहाली से जनता त्रस्त है, वहीं सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कर्ज का भार और विकास पूरी तरह से ठप है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन आक्रोश यात्रा से वह कांग्रेस सरकार की विफलता आम जन को बताएंगे। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय जैन, खानपुर विधायक नरेंद्र नागर, मनोहर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, डग विधायक कालू लाल, मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन दाभई सहित पूर्व चेयरमैन निर्मल शर्मा भी मौजूद रहे।